हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल आशा सक्सेना। आज हम आपको बेबी हेयर कटिंग के साथ में हेयर ट्रिमिंग करके बताएंगे कि किस तरह से बच्चों की हेयर ट्रिमिंग हमको करनी है। और विशेष तौर से देखिए, बॉय हेयर कटिंग में हम ट्रिमिंग करके शेप लेंगे। बॉय हेयर कटिंग के बाद में जब हेयर बढ़ते हैं बच्चों के, तो वो सिमेट्री के साथ में नहीं बढ़ते हैं, छोटे बड़े हेयर के रूप में ही हमको दिखाई देते हैं, उसी रूप में बढ़ते हैं। तो बॉय हेयर कटिंग के बाद में जब हेयर को दूसरे शेप में लेना होता है, तो थोड़ा मुश्किल काम होता है। और जो हो सकता है एक सिटिंग में ये शेप अच्छे से ना आए, सेकंड सिटिंग में ज़रूर अच्छी शेप आती है फिर। तो यहाँ देखिए, हम बेबी हेयर कटिंग मैं जो ट्रिमिंग करने जा रहे हैं, तो फ्रंट पोर्शन में हमने बॉक्स सेक्शन बनाया है। और यहाँ बॉक्स सेक्शन बनाने के बाद में हम ओनली 1 इंच के लगभग की ट्रिमिंग करेंगे। बच्चे हिलते हैं तो हमको ये ध्यान रखना है कि एक हाथ से हमको बच्चों का हेड या फेस को पकड़ के रखना है, जिससे कि जब हम हेयर कट करें तो सीजर लगने का डर नहीं रहे। ये देखिए, हमने एक हाथ से हेड और कभी फेस को पकड़ा, और फिर ये देखिए हम फ्रंट पोर्शन का पहले कट करेंगे। ये हम बहुत ज़्यादा शॉर्ट नहीं करेंगे, क्योंकि फिर गर्मियों का सीज़न आ रहा है, तो गर्मियों के सीज़न में बच्चों के आँखों पर जो हेयर आते हैं वो इरिटेट करते हैं। तो यहाँ हम ओनली 1 इंच की ट्रिमिंग करके ही फ्रंट पोर्शन के हेयर का शेप लेंगे। देखिए, इस तरह से हमने ये किया। और फिर फिनिशिंग देते हुए फिर से हम हेयर को सेट करेंगे। ये फिनिशिंग देते हुए हमने एक हाथ से बच्ची का फेस पकड़ा हुआ है, जिससे कि सीजर कहीं स्किन को ना काट दे। ये फ्रंट पोर्शन का हमने फिनिशिंग के साथ में कट किया। बॉय हेयर कटिंग के दोस्तों हमारे काफ़ी सारे वीडियोस हैं प्लेलिस्ट में, इंस्टाग्राम पर और ट्विटर पर, और हमारा जो फेसबुक पेज है वहाँ भी हमने पोस्ट किए हुए हैं, आप देख सकते हैं। विश्वास है आपको पसंद आए होंगे। और इस ब्यूटिशियन कोर्स में अगर हम पार्लर के हिसाब से आपको बताते हैं, तो स्ट्रेट हेयर कटिंग के बाद में सबसे ज़्यादा इजी स्ट्रेट हेयर कटिंग है, और सबसे जो टफ हेयर कटिंग है वो बॉय हेयर कटिंग है, क्योंकि उसको करने में बहुत हमको सावधानी बरतनी पड़ती है, और विशेष तौर से बच्चों के हेयर कट में। तो आपने देखा होगा, हमने हर वीडियो में अच्छे से समझाया है कि हमको बच्चों का हेयर कट किस तरह से करना चाहिए। और यहाँ आज हम बेबी हेयर कटिंग में, जो बॉय हेयर कट के बाद में हेयर बड़े हैं, उन हेयर को ट्रिम करके बता रहे हैं आपको। एक अलग से शेप लेना आपको सिखा रहे हैं कि इस तरह से हम बॉय हेयर कटिंग के बाद में शेप लेंगे। फ्रंट पोर्शन के हेयर को ट्रिम करने के बाद देखिए, हमने सेंटर पार्टिंग की है और हेयर को 2 भागों में डिवाइड कर दिया है सेंटर पार्टिंग करके। और फिर हम जो हमारे पास गाइडलाइन है उसी से टच करते हुए हम ओनली शेप लेंगे हेयर के। इस तरह से हम तिरछी सीजर को चलाते हुए हेयर को ट्रिम करते हुए आए। और ईयर के पास तक आने के बाद में हमको ये ध्यान रखना चाहिए कि बच्चों के ईयर को एक बार हमको पकड़ लेना चाहिए, जिससे कि हिलने के बाद में कट ना लग जाए। यहाँ देखिए, हमने वो ईयर के पास का कट किया है। और अब हम नेक पोर्शन के हेयर तक आ गए।
यहाँ हमको 1.5 इंच के लगभग का ट्रिम करना होगा, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा होगा। और एक हम अलग से आपको सिखाने के तौर पे बता रहे हैं कि बच्चे हिलते हैं, हेयर ऊंचे नीचे होते हैं, तो उनको पकड़ के लिए हम क्या करेंगे कि कॉम के जरिए हेयर को, ये देखिए इस तरह से कॉम हम हेयर पे लगाएंगे कॉम करके, और फिर हम सीजर से कट करेंगे। तो आप बहुत ही आसानी से बेबी हेयर कट कर सकते हैं विदाउट झिझक के। एक बार फिर से देखिए आप, ओनली 1.5 इंच का हम यहाँ ट्रिम करके आपको दिखा रहे हैं, बहुत ज़्यादा शॉर्ट हेयर नहीं कर रहे हैं, ओनली शेप लेकर इस तरह से कट कर रहे हैं। एक बार फिर से देखिए, हमने कॉम किया और कॉम करने के बाद में देखिए इस तरह से हेयर की शेप ली। कॉम को हम जब हेयर ग्रिपिंग में लेंगे कॉम के जरिए, तो फिर हमारे बच्चों की हेयर कट अच्छे से होगी। ये देखिए इस तरह से हमने कॉम के जरिए जो एक्स्ट्रा हेयर हैं उनका कट कर देंगे। कॉम को उसी शेप में लेंगे जिस तरह से हमको शेप में हेयर कट करना है। विश्वास है आपको ये स्टाइल समझ में आ गई होगी, और बहुत ही इजी तरीके से हमने आपको सिखाने की, बताने की कोशिश की है कि जिससे कि आप अच्छे से समझ जाएं। ये देखिए हमने अब राइट हैंड साइड के बाद में लेफ्ट हैंड साइड का जब हम कट कर रहे हैं, तो उसी स्टाइल में हमने कॉम को इस तरह से करके सेट किया, और एक हाथ से देखिए हमने ईयर को पकड़ा हुआ है जिससे कि बच्चे हिलें तो कट ना लग जाए, और फिर हम उसी शेप में तिरछी सीजर करके यहाँ ईयर के पास में हम कट करेंगे। ये देखिए सारी हेयर कटिंग शेप के साथ में बहुत अच्छे से हो गई। बच्चों को पकड़ना, नेक और हेड फेस ये सब पकड़ना इसलिए होता है जिससे कि सीजर हमारे गलत जगह ना चल जाए, कट ना लग जाए। ये देखिए कितना अच्छा लुक आया है, आपने हेयर कटिंग से पहले भी देखा था और अब फुल कटिंग होने के बाद में बहुत ही अच्छा लुक आया है। विश्वास है आपको हमने जो एक्सप्लेन किया है हेयर कट, हेयर ट्रिमिंग करने का तरीका, बच्चों की हेयर कटिंग का आया होगा आपको समझ में। और अपने सजेशंस, अपने जो न्यू वीडियो के लिए जो चॉइस है वो आप भेज सकते हैं, हम आपके कमेंट्स का वेट करते हैं, आपकी चॉइस का वेट करते हैं, आपके सजेशंस का वेट करते हैं, और उसी के अकॉर्डिंग हम चाहते हैं कि सारे वीडियो हम आपके चॉइस के अनुसार ही पोस्ट करें। टाइम ज़रूर लग सकता है क्योंकि पार्लर होने के कारण कई बार हमको टाइम नहीं मिलता है, तो हम बहुत जल्दी वीडियो पोस्ट नहीं कर पाते हैं, उसके लिए हम सॉरी बोलते हैं। और विश्वास है आप अपनी डिमांड, अपनी चॉइस को बरकरार करके हमें बताएंगे कि किस तरह का वीडियो और आप चाहते हैं। आपके कमेंट्स का भी हम पूरा जवाब देते हैं, थोड़ा देर ज़रूर हो सकती है बिजीनेस के कारण। ये देखिए अब नेक पर जो एक्स्ट्रा हेयर थे जो सीजर से रिमूव नहीं हुए, उन हेयर को हम ट्रिमर द्वारा नीट किया, और ये देखिए बच्ची का लुक देखिए आप, बिल्कुल बॉय कटिंग के बाद में हेयर शेप में आ गए हैं। और विश्वास है आपको ये हेयर कट जरूर समझ में आ गया होगा। और एक नीटली जो ट्रिमिंग हुई है वो आपको दिखाई दे रही होगी, बैक पोर्शन में जो बारीक हेयर होते हैं मेनली, वो हमने बहुत अच्छे से नीट किए ट्रिमर द्वारा। और विश्वास है आपको ये बच्ची का हेयर कटिंग
ट्रिमिंग के रूप में जो हमने किया है, बॉय कटिंग का जो लुक चेंज किया है, ज़रूर आपको पसंद आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।